मौजूद है बहुत ही इंटरेस्टिंग नौजवान मुझे बड़ा अजीब लगता है नौजवान बोलते हुए बिकॉज मैं अपने आपको नौजवान समझता था फिर मैं तीस साल का हो गया और मैं यूथ से बिल्कुल ऑलमोस्ट आउट होने लगा तो अब मैं इनको नौजवान बोलूंगा बट वी हैवैदल हसन एंड हमजा खालिद विदा सा बैकग्राउंड इनके बारे में दे आर बेसिकली लीडिंग द नास्ट रॉकेट टीम इन दसरा स्पेस बोर्ड america cup is that correct spaceport america. spaceport spaceport what does that mean it's basically a place where you are allowed to launch rockets and do model rocket training ah uh, very interesting <laughs> so guys welcome to the show Thank you. <laughs> इतने परेशान बैठे मैंने बोला था इनको पहले कि रिलैक्स होना है आप दोस्तों साथ बैठे होंगे आप तो आप इस तो नहीं बात कर रहे होंगे कैमरे से पहले सही था, था कैमरे के बाद <laughs> थोड़ा अच्छा सो so, पहले तो मुझे ये बताएं कि भाई पाकिस्तान से रॉकेट टीम जा रही है अमरीका ये क्या सीन है ये ये कैसे हो गया uh, असल में uh, हम लोग uh, हमारे कुछ सीनियर थे उन्होंने sure. ये चीज़ स्टार्ट की थी दे वांटेड टू डू एन एफ आई पी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो कि रॉकेट से रिलेटेड था which लेकिन यस विच गॉड रिजेक्टेड ड्यू टू बीइंग इन अ नेवल इंस्टीट्यूट हाँ क्या ले इट वाज इट वाज यही कि इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही थी उस आइडिया को उस आइडिया को इतनी सपोर्ट नहीं कि उसका स्कोप दे दे थॉट द स्कोप इज टू बिग अच्छा सही है Even though it was a sounding rocket, no? जैसे right. कि उन्हें थोड़ा बहुत मसला aa आ रहा था कि क्योंकि rocket रॉकेट rocket banana बनाना चाह रहे थे तो जो hmm. components थे उनको import कराने में कुछ ड्यूटीज और कस्टम लॉज hmm. थे जो कि हम नहीं करा सकते right. uh, तो उन्होंने फिर ये चीज़ आगे ट्रांसफर की उन्होंने एक टीम बनाई जो कि uh, नस्ट रॉकेट टीम उसका नाम रखा है इवेंचुअली वी ज्वाइन द टीम और अब yeah. We are leading. You are leading that, and now this <laughs> is the first time that a uh, 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 yes. you know uh, We were actually supposed to go before, too but then, you know, the Couldn't happen. The, mm -hmm. Due the to pandemic the happened, so. <laughs> so now do you have like a, a, a sound, sounding rocket?

डिज़ाइनिंग फेज के बाद नाउ हम मूव कर रहे हैं टू द फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है करंट स्टेट ये है कि हम लोग का स्ट्रक्चर कार्बन फाइबर से मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया है। साथ ही साथ हमारे एवियोनिक्स के जितने कंपोनेंट हैं जो कि एवियोनिक्स बे में लगेंगे इसमें हमारा बैरोमीटर है हमारा जायरोस्कोप है फ्लाइट कंप्यूटर होगा और इसके अलावा ऑल्टी और रिकवरी सिस्टम के लिए जितना इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सब भी तैयार हो रहा है साथ साथ जस्ट टू एक्सप्लेन के रिकवरी सिस्टम क्या तो रिकवरी सिस्टम ये कॉम्पिटिशन के, के अंदर यू हैव टू एक्चुअली गेट योर रॉकेट बैक सेफली टू राइट सही तो उसके लिए वी आर यूजिंग अ डोल डिप्लॉयमेंट सिस्टम उसमें यह पहले एक छोटा पैराशूट खुलेगा तो ठीक है फिर एक बाद में एक बड़ा पैराशूट खुलेगा तो उसको तो उसकी कंट्रोलिंग वो किस तरह निकल रहे हैं सेपरेशन किस तरह हो रही है तो वो सब चीज़ें एवियोनिक्स करता है और वो सब रिकवरी सिस्टम राइट इफ आई अंडरस्टैंड दिस करेक्टली ये जो कंपोनेंट्स हैं ये सारे बाहर से आ रहे होंगे Uh, अच्छा कुछ ऐसा है कि हम लोग जिस कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कुछ कंपटीशन वालों की रिक्वायरमेंट थी कि uh, जो फर्स्ट टीम पार्टिसिपेट करेगी फर्स्ट टाइम उसने कॉर्ट्स की कैटेगरी में कॉट्स इज बेसिकली कमर्शियल ऑफ द शेल्फ ओके मतलब ज़्यादातर कॉम्पोनेंट्स उन्होंने कमर्शियली बाय करने हैं क्योंकि दे कॉन्ट रिलााइक ड्यू टू द सेफ्टी ऑफ द ऑडियंस और वहाँ पे जितने लोग प्रेजेंट हैं उनकी सेफ्टी की वजह से उन्होंने ये रूल रखा हुआ है कि कमर्शियल प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे हाँ जिसके ना सबसे मेन चीज़ ना वो रॉकेट का लेकिन स्टिल uh, uh, हम Uh, हमारे एक होते हैं जो प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं दूसरे हमारे होते हैं एक सेकेंडरी कॉम्पोनेट जो कि uh, हम लोग खुद डेवलप करेंगे खुद उन सब चीज़ों को बनाएंगे रॉकेट लाइक अच्छा और ये कितना बड़ा होता है अभी हमारा जो डिज़ाइन है वो अराउंड एट फीट है mm -hmm. और Ooh, इसका वेट अराउंड थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स के जी विद द मोटर एंड द फ्यूल और ये करेगा क्या प्रैक्टिकली इसका जो मकसद है वो है कि ये है टेन थाउजेंड फीट तक जाएगा वहां पे जाके इसका सबसे पहला इसका डिप्लॉयमेंट होगी जिसमें ड्रोक पैराशूट खुलेगा ड्रोग इज द स्मॉल पैराशूट और है। उसके बाद ये आएगा वापस आराम आराम से डिसेंड uh, होते होते ड्रिफ्ट के साथ और 1500 फीट पे जाके इसका सेकंड uh, जो होगा पैराशूट मेन पैराशूट मेन पैराशूट खुलेगा एंड देन वेलोसिटी और ज्यादा कम हो जाएगी और फिर आके इसने सेफली टच डाउन करना है अब इसमें हमारे पास पे लोड करेंटली जो हम यूज़ कर रहे हैं वो तो uh, डमी पे लोड है डमी पे लोड इज समथिंग के इट्स द मैस ओनली और उसका कोई फंक्शन नहीं है लेकिन वी कैन यूज समथिंग यू नो जो साउंडिंग रॉकेट से रिलेटेड और एक्सपेरिमेंटल पे लोड भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर नाउ हम लोग डमी पे लोड पेलोड के साथ जा रहे हैं ताकि फॉर दिल स्पीक इस्तेमाल होता है तो कोई भी ऐसा जो के payload कर रहे हैं और पेलोड यूजफुल भी है अब यूज होते हैं जो मेट डिपार्टमेंट रॉकेट यूज करते हैं right. अपने वेदर फोरकास्ट वगैरह के लिए इसके अलावा लैंड मैपिंग के लिए यूज हो रहे हैं इसके अलावा हमारे पास uh, कुछ सेटेलाइट हैं जो की uh, टेलीकॉम वगैरह के लिए भी यूज हो रही है जो साउंडिंग रॉकेट साउंड रॉकेट

2015, राइट फिफ्टीन राइट हाँ तो आ, मैंने जब देखी वो वीडियो तो वो इतनी मोटिवेशनल थी कि मैंने तो कहा बस मैंने यही करना है ना और कुछ नहीं करना और <laughs> वैसे भी मेरा थोड़ा बहुत इस तरी इस तरफ था कि मैं स्पेस को देखना यू को देखना या कौन से लॉन्चेज हो रहे हैं करेंटली क्या हो रहा है स्पेस इंडस्ट्री में तो मेरा तो एक

No laws. We are not to. अच्छा, हम लोग इसको थोड़ा एक्सप्लेन हाँ. कर दूँ हाँ तो हम लोग यूज प्रोपेल्ड मोटर प्रोपेल्ड मोटर सॉलिड फ्यूल यूज करती है और इसका एक मोटर uh, जो होती है कमर्शियल होती है हम उसको पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्ट नहीं कर सकते अच्छा, ये एक लॉस कस्टम लॉस की वजह हाँ, से हाँ, uh, मेरे ख्याल से डिस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्ट कहलाते हैं और exactly. इस वजह से काफी इस तरह की चीज़ेंट हैं Because right. they usually use in um, uh, missile technology, missile technology, huh. mein, defense, etc. Right. De this is why we cannot import it. Right that is interesting. There, I mean, there, there is no exceptions. There will be exceptions for certain private companies. No. As of right abhi now. Till now, we have not got loophole. loophole. interesting yeah. choice of words. Okay. Um, so, I, I mean, I want to, I want to move towards other things. Obviously, competition is very, very important. Uh, I, I want to wish you guys good luck for that as well. Mm -hmm. Is there anything, any particular thing that you want to talk about that? Because I'm really excited to move to the next segment of what you want to talk about. Um, I guess did we did we tell you we are the only team from Pakistan? Yeah, yeah. <laughs> <laughs> so uh, that, that is important. Yes. That's really important. But that's amazing. I mean, hmm. again, we this is something will come okay. um, once that happens. When is the competition? Hmm. It's in June. It's in June, so, so. very very soon. And uh, you guys have your visas.

आई कैन डू वेरी वेरी एक्स्ट्रा लंबी तो ऑबियसली टेक्निकल इम्प्रूवमेंट्स एक जगह और जो ओवरऑल हमारी टीम का विजन है वो एक जगह टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स के अंदर यह है कि कॉम्पिटिशन में लाइक ही सेट कैटेगरीज होती है ना तो एक तो कमर्शल ऑफ द शेल्फ कैटेगरी है दूसरी है एस आर ए डी कैटेगरी स्टूडेंट रिसर्च एंड डेवलप तो उसके अंदर जो मेन चीज़ है ना वील तो वो हम ये है कि जो रॉकेट इंजन है ना hmm. वो हम यहाँ पर डिजाइनर मैनोफेक्चर करें विच हैज़ नॉट बिन डन सही है राइट 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 इसी तरह ये है कि अभी हम टेन थाउजेंड फीट एम कर रहे हैं कॉम्पिटिशन थर्टी थाउजेंड फीट अभी ये है कि हमारा पेलोड इनर्ट है इट डज नॉट डू एनी थिंग सही है हम ये है कि हम payload को इंक्रीज करें एक्टिव कर सकते हैं सही है हम उसके अंदर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम इवन वेदर डेटा ऑब्जर्व कर सकते हैं कुछ भी छोटा छोड़, छोटा मोटा कुछ भी ना डाट कैन इंक्रीज अवर टेक्निकल केपेबिलिटी सही है तो वी वॉन्ट टू मूव टू बिगर रॉकेट्स वी वॉन्ट टू वी वॉन्ट टू वी वी टू सैटेलाइट्स टू

अच्छा <laughs> 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 सही और मैं दूसरी साइड मेंशन कर रहा था कि द विजन वाली बात ना तो ऑब्वियसली इसके अंदर नॉट हम सिर्फ हम लोग नहीं है जो चीज़ों पर काम कर रहे हैं सही और भी लोग हैं लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सपोर्ट वी गेट अगर हमें नहीं भी सपोर्ट मिलती किसी की ना तो देर आर सम थिंग्स जो कि हम कर ही रहे उसके अंदर ये कि एक स्टेम अवेयरनेस बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से ना वी किट वी वॉन्ट अदर यूनिवर्सिटीज टू कम अप विद देर ओन टीम्स वी वॉन्ट टू हेल्प दैम वी वॉन्ट टू इस्टिश वी वॉन्ट इस्टेब्लिश हमारा जो बिजनेस लीडर शहीद यहाँ नहीं है सही वहाँ बैठे हैं हाँ उस उसका एक है कि स्पेस कल्चर इस्टेब्लिश करना है यार तो वी वॉन्ट टू स्टैब्लिश डेट स्पेस कल्चर सही है बच्चों के अंदर so is, is he, is he the more of a business business mind of sorts नहीं अच्छा मैं एक चीज एक चीज ऐड करना चाहूंगा uh -huh. सर इसमें uh, यूजली ये होता है कि टीम्स जाती हैं या लोग जाते हैं जाके पार्टिसिपेट करके आते हैं जीत के आते हैं यहाँ पे लोग तालियां बजाते हैं खुश होते हैं छः महीने बाद सब ठप राइट right. कोई उसके बाद उनको डिस्कस भी नहीं करेगा right. हम वो नहीं चाहते देखें हम जो चीज़ कर रहे हैं वो फर्स्ट टाइम है स्पेस कल्चर जैसे कि शहीर कहता है स्पेस कल्चर जो है उसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है क्यों hmm. क्योंकि अभी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ स्पेस जो है आ, वो हमारे यहाँ पे एज ए डिफेंस के तौर पर मतलब चीजें यूज हो रही हैं uh, कोई रॉकेटरी इस तरह से नहीं है कि हम लोग क्रिएटिव एक्सपेरिमेंटल रॉकेटरी कर लें या फिर इवन uh, लोग बॉटल रॉकेट कॉम्पिटिशन होते हैं हर जगह उस तरह की चीजें नहीं हो रही हम लोग को उस उस लेवल पे लेके जाना है कि एकेडमिक में uh, जो बच्चे हैं बच्चों को इस चीज़ का शौक दिलाना है इंटरेस्टिंग क्यों क्यों जरूरी है स्पेस साइंस भाई ना जब बच्चा छोटा होता है ना हाँ. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दूसम क्या बनना है तो उनमें से अक्सर एक आपको आंसर मिलेगा एस्ट्रोनॉट बनना है यार

छोटे छोटे मुल्क थे यूरोपियन ठीक है mm. जिन्होंने एक्सप्लोरेशन uh, करना शुरू किया और पूरे पूरा अफ्रीका फता कर लिया जाकर राइट mm. right? कोई बहुत पुर्तगाल कोई बहुत कोई बड़ा एम्पायर तो नहीं था चलो यू नो बाकी तो और भी, भी फिर भी थे तो अब आज, आज हम पाकिस्तान को बैठ के हम क्यों इतना वो सोचते हैं कि हम तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं जबकि कुछ नहीं कर सकते एक ऐसा एरिया जहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ हुआ अगर वी गेट देर अर्ली तो मे बी दैट कुड बी आवर नेक्स्ट यू नो दैट कुड बी टर्निंग पॉइंट फॉर अस एज वेल सो दैट्स वाई आई फील आई कि स्पेस अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो वो बस एक सुपार्को है और वपार्को और थोड़े से बातें को एक रैंडम सेटलाइट भेज देता है बट जनरली उसके अलावा वी डोट इली टॉक अबाउट इट वी डोंटली थिंक अबाउट इट मुझे याद है यू नो वे यू एस तो वहाँ पर वो हमेशा आपको जहाज़ उठते हुए नजर आ रहे होते हैं यू जस्ट सेट डाउन किसी एवरेज शाम में ना तो आपको आसमान के ऊपर जो उनके वेदर वाले जहाज़ हैं जो वो हैं वो जा रहे होते हैं और वो इट्स इंट्रीगज sort of वहाँ पर वो टेलीस्कोप्स का बड़ा एक हॉबीस्ट का कॉन्सेप्ट है कि यू exactly. नो बैठ के देखते हैं वो या देयर इज ओनली वन टेलीस्कोप शॉप इन कराची रियली यस देयर इज ओनली वन आई एम सरप्राइज देयर इज इवन वन हां सो हैव यू सीन द मूवी अक्टूबर स्काई आई हैव नॉट अच्छा जेगलनार की मुझे स्कंदर ही गेट्स इंस्पायर्ड बाय वाचिंग स्पर्ट स्पर्टनिक राइट द स्पर्टनिक वन गो अराउंड ना राइट स्पर्टनिक वन इज स्टिल आउट देयर आई आई थिंक सो इट इज हां राइट

एक एरा था कोई 20 साल का ना 1960 hmm. से 1970 75 का जिसके अंदर हमने पाकिस्तान ने कोई 200 साउंडिंग रॉकेट्स लॉन्च किए थे राइट right. सही है विच इज़ ह्यूज अमाउंट ना सही है और इसके अंदर क्या था हम लोग थर्ड थे हम शायद बिल्कुल हम लोग थर्ड थे. Uh, थे और थर्ड इन व्हाट थर्ड इन साउथ एशिया थर्ड इन थर्ड इन एशिया थे और टेंथ ओवरऑल वर्ल्ड में थे जिन्होंने साउंडिंग रॉकेट साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया यस सही यहीं प्रोग्रेस उस वक्त ह्यूज थी ना एंड देन एवरीबडी नोज वट है पॉलिटिक्स सिचुएशन अमेरिका गेटिंग इन वॉल्ड एंड मिलट्राइजेशन हो गई ब्यूरो हो गई जनरल जया ही कम्प्लीटली एंड तो उसके बाद से जो है ना इट हैज़ मिन ऑन एड डिक्लाइन राइट तो अब अगर आप सुपार्को का अभी प्रोग्राम देखें ना एस पी फोर्टी स्पेस प्रोग्राम टू थाउजेंड फोर्टी तो इट्स फॉर टू थाउजेंड एंड फोर्टी और इट्स इट्स नथिंग लाइक पाँच

उनके पास भी डिक्लाइन था लाइक like, एक बार वो मून पे पहुंच गया ना तो उन्होंने नासा का बजट गिरा दिया था हाँ। तो लेकिन इतना नहीं गिराया था उन्होंने सही है और उसके बाद व्हाट दे रियलाइज वाज ना कि यार दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू कमर्शियलाइज स्पेस तो यूएस यूएस का एक बिल था बहुत मशहूर बिल नाइनटीन में उन्होंने बिल पास करा था उस बिल का नाम था कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस एक्टिविटीज़ एंड रॉकेटरी राइट तो उन्होंने पूरी इंडस्ट्री कमर्शलाइज कर दी ठीक <coughs> है सही है तो प्राइवेट सेक्टर बन गया ना एक और उस प्राइवेट सेक्टर इस प्राइवेट सेक्टर के फ़ायदे ही फ़ायदे नहीं सो माई क्वेश्चन विल बी अगेन आप उस सवाल को समझ नहीं सकें मैं प्योरली अब मे बी योर बिजनेस गाई वुड भी एबल टू आंसर दिस बेटर बट देखें दुनिया में जब भी कोई चीज़ होती है ना उसके पीछे एक इकोनॉमिक्स होती है राइट वेट द मनी फ्लोज वहाँ पर काम ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है सरप्राइजिंगली आप सोचते नहीं हो और वो होना शुरू हो जाता है जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आज से बीस साल पहले कोई बोलता कि यार इलेक्ट्रिक कार्स तो लोगों ने कहना था यार एक नॉवल्टी है ठीक है क्यों तुम ये इलेक्ट्रिक कार्स कर रहे हो बट एक पॉइंट आया जब वो इलेक्ट्रिक कार्स का जो इकोनॉमिक मेट्रिक्स है वो सस्टेनेबल होना शुरू हो गया ठीक hmm. है और सडनली नाउ एवरीबडी वॉन्ट्स टू क्रिएट इलेक्ट्रिक कार और सो ऑन सो फॉर बहुत काउंटलेस एग्जाम्पल है माई क्वेश्चन विल बी कि भाई आप एक मैं कहता हूँ आप एक प्राइवेट एजेंसी हैं प्राइवेट सेक्टर आप ये कॉम्पिटिशन रन कर कर आते हैं आप ग्रेजुएट करते हैं मैं आपको देता हूँ दस करोड़ रुपया ठीक hmm. है नहीं मैं आपको देता हूँ पचास करोड़ रुपया ठीक <laughs> है बहुत <laughs> अमीर हूँ मैं लेके भाग जाऊँगा <laughs> <laughs> और मैं कहता हूँ कि यार नाउ आई नीड यू टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ दिस समथिंग आउट ऑफ दिस ठीक है आप उस पर करेंगे आप आर करेंगे आप दस चीज़ें बनाएंगे ये करेंगे वो करेंगे हाँ गवर्नमेंट सपोर्ट आपको चाहिए होगी फॉर लीगल रीजंस कि भाई कोई ना कोई फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार अगर एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी आ रही है तो आप किसी बंदे से कनेक्ट हो आप किसी मिनिस्टर से मिलें और आप फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ लॉ ना भी चेंज हो आप प्रोविजन तो डाल देना कि यार ये कंपनी रजिस्टर हुई है इसके पास बैकिंग इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग है पैसा है सारा कुछ है दिमाग है आप इनको वो दे दें क्या कहते हो वेवर दे दें हो सकता है ऐसा कि यार ये एक प्रॉपर प्राइवेट सेक्टर एंटिटी है दुनिया भर में होता है कि आप बहुत mm -hmm. सारे कंपोनेंट्स mm -hmm. नहीं कर सकते बट सर्टेन कंपनीज हैव द वेवर्स टू डू दैट आपको वो मिल जाता है आप क्या बनाएंगे और किसको बेचेंगे क्योंकि पचास करोड़ मेरा एट सम पॉइंट तो रन आउट हो जाएगा mm -hmm. उसके बाद फिर आप सिर्फ ये करते रहेंगे देखें हमने एक और एक्सपेरिमेंट कर लिया अमेरिका कैन डू एक्सपेरिमेंट्स अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री पाकिस्तान राइट नाउ कैन नॉट डू एक्सपेरिमेंट्स और दे कैन डू एक्सपेरिमेंट्स टिल द पॉइंट दैट दैट एक्सपेरिमेंटेशन एक्सपेरमेंटेशन का टर्स ऑफ अ कमर्शियल वायबिलिटी वो कमर्शियल वायबिलिटी क्या होगी आपकी सही है तो इसके अंदर जो है ना दो चीज़ें टू थिंग्स कम टू तो माइंड ना एक ये कि पाकिस्तान इज स्टिल एन एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री राइट right. सही है mm. और दूसरी है टेली तो स्पेस शुड अलाइन इट सेल्फ द स्पेस सेक्टर ऑफ पाकिस्तान शुड अलाइन इट है जो कि एग्रीकल्चर जो कि एग्रीकल्चर है और टेली है ठीक है तो हम एग्रीकल्चर के बहुत फायदे हो सकते हैं बहुत लाइक आई डोंट वॉन्ट टू टेक नेम्स लेकिन हमारी एक मीटिंग हुई थी जो कि एग्रीकल्चर एसोसिएशन के, के हेड थे राइट एंड ही कड नॉट रियलाइज के यार एक्सप के माइक्रोग्राविटी रिसर्च से क्या फ़ायदा हो सकते हैं या लैंड मैपिंग क्या हो सकती है लाइक हिज इज एग्जैक्ट वर्ड वर्ड यार गूगल मैप है तो सही है

लेकिन वेरी डिफरेंट टायर्स और जो दे आर नॉट इफेक्ट बायो सड़क पर नील वेल वो तो नहीं फर्क पड़ता ना राइट right. तो वो वो टेक्नोलॉजी कहाँ से आई वेक्नोलॉजी यहाँ से आई कि नासा ने जो क्यूरिया रोवर भेजा था और जिससे पहले मार्च पर रोवर्स भेजती रही है उनके टायर्स ऐसे हैं राइट right. सही है तो यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाता है इंडस्ट्रीज के थ्रू डिफरेंट इंडस्ट्रीज के थ्रू इसी तरह आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का देख लें राइट सो अगेटली अग्री टू य क्वेश्चन आखिर में इवन जो बाइडन एक्चुअली केम आउट विद विदीडियो वीडियो टुडे एंड ईज टॉकिंग अबाउट ट्वेंटी ट्वेंटी ट्रिलियन डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान जिसके अंदर उसने ये बताया हुआ है कि उन्होंने जब हम स्पेस रेस में गए थे तो उस स्पेस रेस से हमारे पास क्या क्या आया और वो बड़ा इंटरेस्टिंग सो टोटली अग्रीड विद यू यूट वट यूर अच्छरी अगेन से आर एंड डी एंड देन आर एंड डी की बेसिस के ऊपर पोटेंशियल यूज केसिस जो कि ही तब होंगे इन अ वेरी एक्सपेंसिव इंडस्ट्री अगर वो ग्लोबल हो सो फॉर फॉर अमेरिका टू डू दैट ऑफ आर एंड डी एंड देन क्रिएट न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज लाइक लेट्स एक्के मैं कहता हूँ कि बैटरी की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है जो कि यू नो सुपर कंडक्टर के you know, uh, साथ बहुत तेजी से चार्ज हो जाती है फॉर दैट टेक्नोलॉजी टू कमर्शलाइज वो अमेरिका में ईजीली हो जाएगी वर्सेज इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान मैं इस पुष्ट आपको इस तरफ करना चाह रहा हूँ कि दुनिया भर में इंटरनेट जब आया था तो यू मिलिट्री लेकर आई थी mm -hmm. Um, space program has a, had a huge military uh, uh, thought process. It was always like a fight between America and uh, Russia mm -hmm. uh, that, you know, sort of pushed them towards it. And like you said, the minute the Cold War was over, you know, they they cut the budgets. Mm -hmm. Till the point that now we're actually talking about, um, you know, space mining, we're talking about a lot of other potential use cases, mm -hmm. And like I said, ke telecom ka is definitely a very, very, very viable use case, which I understand. If that मैं कहता हूँ आप एक स्टार्टअप बनाकर इतना आ, पूरे पाकिस्तानी कवरेज कर लें तो शायद आपको कोई बाहरी कंपनी कर लेगी सो so, इसकी लॉजिकल mm. yeah. आपकी वो है um, जिस चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा कन्फ्यूज होता हूँ एंड एंड सीन दीज एग्जाम्पल्स बिफोर इन पाकिस्तान जो फाइटर एयरक्राफ्ट का चल रहा है उस पर प्राइवेट सेक्टर का बड़ा क्लियर रोल है मैं मजीद mm -hmm. उसके अंदर इन डिटेल नहीं जाऊँगा mm -hmm. बट जिसको जिसने उसको, उसको यू नो स्टडी किया है उसने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर देव ओपन दैम सेल्थ बड़ा उस तरफ जाना जाना शुरू हो गए जिस तरफ ऑफ अमेरिका में जा रहा था कि जी बजाय इसके कि हम अपने आप को बंद रखें हम अगर इफ अ प्राइवेट सेक्टर प्लेयर कैन कम एंड प्रूव दैट दे हैव द केपेबिलिटी दैट वी वर लुकिंग फॉर सो माय क्वेश्चन कि स्पेस में सबसे ज़्यादा पैसा किसका लगता है हम गवर्नमेंट से हैंड आउट मांगते हैं हम गवर्नमेंट को एज अ बायर नहीं कंसिडर करते राइट सो आई नो फॉर अ फैक्ट के फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियर्स बहुत सारे यूज़ हो रहे हैं क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर रहे हैं आई mm नो -hmm. के फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो है ना आपका इवन इंजीनियरिंग साइड के ऊपर देर आज अ लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन इन द प्राइवेट सेक्टर दैर इज वर्किंग विद डायरेक्टली विद द गवर्नमेंट सेक्टर जो ये आपकी करंट टेक्नोलॉजी है um, अगर मैं कहता हूँ कि इसको मैं इन डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ अगेन डिफेंस के ऊपर डॉलर लगता है रुपया नहीं लगता राइट right?

Uh, खैर हमें हमारे टीम लीड इस साइड पर जाने से मना करते हैं क्योंकि वो इस चीज़ के सख्त खिलाफ़ हैं लेकिन हाँ इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्योंकि uh, मैंने मेरे ख्याल से आपको शुरू में भी बताया था कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा लिंक करती है डिफेंस टेक्नोलॉजी से जो वो यूज़ करते हैं uh, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन वो सारी डिस्ट्रक्टिव होंगी फोर हंड्रेड जो है

एक फलसफा होता है आपका जिसे कहते हैं ना आइडियलिस्टिक व्यू आइडियलिस्टिक व्यू होगा दुनिया में जंग ना हो ठीक है एक होगा प्रैक्टिकल व्यू अच्छा डिटेरेंस का कॉन्सेप्ट पता है आपको डिटेरेंस का डिटेरेंस का डिटेरेंस टू डिटर टू किसी चीज़ को रोकना किसी को रोकना आम, um, पिछले तीस साल में पाकिस्तान में जंग क्यों नहीं हुई दो में इंडिया वॉज रेडी टू अटैक दो हज़ार अभी लास्ट हमारा ट्वेंटी सेवन फेब्री वाला हुआ था वो एस्केलेशन लैडर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी क्यों कभी नहीं हुई जंग इफ आई मीन ईस्ट तबाह पड़ा हुआ है अब नॉर्थन अफ्रीका तबाह पड़ा हुआ है पाकिस्तान क्यों नहीं तबाह हुआ है an uh, मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज़्यादा रोल इंटरनेशनल रिलेशन का था अच्छा uh, हर एक के अपने अपने किसी ना किसी तक हद तक बेनिफिट्स थे जिसकी वजह से वो इस साइड को परस्यू नहीं कर रहे

मिसाइल क्यों नहीं उड़ी क्योंकि मिसाइल नहीं उड़ी क्योंकि जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस कहाँ पर काम आया ट्रंप ने कहा कि भाई बम बॉम्बे आधी दुनिया को अफेक्ट होगा आपका जाकर ठीक exactly. है दो न्यूक्लियर yeah. इधर एक मुंबई में और एक रांची में फटता है ना तो रशिया तक is, के नासा ने वो सारा का सारा किया तो उससे सिविल में बड़े फवायद हुए राइट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर जब हम घुसे और हमने जाके यू नो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया एज अ डिटर्ेंट हमने उसको यूटिलाइज करके अब हम अपने न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी के सारे सारे वो चला रहे हैं बैठे हुए एक्चुअली अ वेरी डिटेल पॉडकास्ट रिसेंटली जिसमें यू नो द गेस्ट टॉक्ट अबाउट हाउ न्यूक्लियर एनर्जी इज इट्स अ वेरी ग्रीन फॉर्म ऑफ एनर्जी और उसके अंदर बड़ी इनोवेशन आ रही है कैनप टू भी अभी लगा है कैनअ थ्री भी आई थिंक लाइव हो जाएगा mm -hmm. थोड़े अर्से में सो पाकिस्तान इज़ एक्चुअली वेरी प्रोग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर टेक सुनाओ अब मैं बैठता हूँ कि आपको ये नहीं लगता कि पोटेंशियली कोई ऐसा बायर एग्जिस्ट ऑलरेडी करता है चले मैं कहता हूँ आप मारना नहीं चाहते लेकिन आप बचा तो सकते हैं पोटेंशियली हाँ मैं मेरे ख्याल से किसी हद तक आपकी बात को समझ रहा हूँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है और आ, ये बात हम काफ़ी अरसे से कहते आ रहे हैं कि मिलिट्री और सिविल का लिंक बहुत ज़रूरी है इवन आर एन डी में अगर कमर्शलाइजेशन में नहीं तो आर एंड डी में बहुत जरूरी है hmm. अगर वही टेक्नोलॉजी एक डिफेंस के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है सिमिलरली अगर सिविलियंस वहाँ पे जाएंगे अगर हम जैसे वो लोग वहाँ पे जाएंगे और हम मैं आपके सामने बैठ के ये कह रहा हूँ कि मुझे वॉर नहीं चाहिए मुझे पीस right. चाहिए 100%. तो मैं उसी टेक्नोलॉजी का कोई ऐसा यूज़ ढूंढूंगा जो कि उसी का काउंटर होगा हाँ मिजाइल के बजाय डिफेंस की बात करेंगे हाँ बिल्कुल एंड देन मोर इम्पोर्टेंटली देखें मेरे लिए ना जो 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 चीज़ आती है ना वो आती है कि पाकिस्तान

और वो एक्टिव एक्सपीरियंस आ रहा होगा मे बी इन इन डिफेंस विच इज अ वायबल कमर्शियल राइट एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मैं ये कह रहा हूँ कि एंड गोल मैं भी उधर ही देख रहा हूँ कि शायद आपका पाकिस्तानी स्पेस प्रोग्राम हो जाए शायद द नेक्स्ट और द फाइनल फ्रंटियर के अंदर वहाँ पे भी आपका ऑलरेडी अमेरिका ने बना ली है सो मे बी वो इंसेंटिव हो लेकिन एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू टेकल देर मे बी आर एबल हाँ फॉर दैट परपज हम हम विलिंग हैं कि हम काम करें आ, उनके साथ काम करें और आ, मतलब उसी टेक्नोलॉजी पर काम करें हमें right. मसला नहीं है लेकिन एज लॉन्ग एज हम उसका कोई अलग मकसद ढूंढ रहे हैं उसी टेक्नोलॉजी का यूज उसका एक अलग पर्पस ऑफ यूज ढूंढ रहे हैं अब क्या क्या पढ़ रहे हैं वो लोग uh, हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है और रिसेंटली हमारे साथ नेवल आर्किटेक्चर के भी न्यू मेबर्स ने ज्वाइन किया है जबरदस्त एंड यू नो आप मैं अगर आप लोगों से पर्सनली पूछूं कि ठीक है ये कंपटीशन हो जाएगा दिस इज योर फाइनल ईयर यस दिस इज आवर फाइनल सेमेस्टर एक्चुअली फाइनल सेमेस्टर एंड व्हेन विल यू ग्रेजुएट इन जून सो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप साथ सोच रहे हो गाइस तो क्या सोचा है अगले इसके बाद क्या करना है मेरा तो पर्सनली पूछ रहा है ना यू आर आस्किंग पर्सनली तो मेरा पर्सनली ये है कि आई वांट टू स्टडी फिजिक्स एंड फिलॉसफी ओके तो मैं बाहर

सही है तो मेरा है कि अब स्ट्रिंग थ्योरी का मसला है कि स्ट्रिंग थ्योरी हर साइंटिफिक थ्योरी में ही होता है कि है एक कुछ एक्सपेरिमेंटल कर दिया right. स्ट्रिंग थ्योरी नहीं करती अच्छा स्ट्रिंग थ्योरी की मैथ के थ्रू ही सारी ग्रेविट सारी कोर्सेज आ जाती हैं ग्रेविटी निकल के आ जाती है सही right. है तो उस चीज़ की स्टडी करना हुँ. वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग तो आप तो पाकिस्तान वापस नहीं आते आप ये हाँ। दिमाग हाँ। पाकिस्तान के लिए चले गए <laughs> 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 आपका क्या सीन इनका, इनका तो काम हो गया मेरा <laughs> <laughs> तो काम हो गया <laughs> अच्छा मेरा ये सीन है कि इस तरह का कुछ नहीं है मैं बस ये सोच रहा था कि मास्टर्स के लिए मुझे फॉरेन नहीं जाना वो बस एक तरह का जो

नालाइज करूंगा थोड़ा सा और उसके बाद कहीं अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी कोई गैप दिखा तो वो परस्यू करूंगा डेफिनेटली ठीक है ठीक है ये डिफेंस में जाने वाले हैं <laughs> 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 जितना उन्होंने पॉलिटिकली करेक्ट बोला है ना कमाल है सर कमाल है अच्छा एंड व्हाट अबाउट द अदर टीम मेंबर्स आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर इज कि पाकिस्तान में इंजीनियर्स मुझे पहले तो बहुत खुशी हुई आई एम रियली प्राउड ऑफ द वर्क दैट यू गाइस आर डूइंग द फैक्ट दैट यू एक्चुअली थॉट दैट यू कुड एक्चुअली डू इट पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम ये सलाहियत ही नहीं रखते हमारे <laughs> you know, mm -hmm. कि हमारे अंदर सलाहियत है यू नो कि सोचने की कि ये सलाहियत mm -hmm. है और वो बंदा करने लगे तो इट 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 वुड नॉट हैव बीन दैट हार्ड फॉर यू टू गो फ्रॉम थिंकिंग दैट यू कैन मेक अ रॉकेट टू नाउ डिजाइनिंग एंड 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 गोइंग टूवर्ड्स यू नो बिल्डिंग अवाबल रॉकेट आई थिंक दट दट इन इट सेल्फ इज दफ मोट ब्यूटिफुल थिंग्स टू अचीव इन इनशाला आगे जाके जो भी करते हैं दट वेरी ऑन टॉप बट परटिकुलरली मैन इट कम्स टू इंजीयर्स आईव सी दिस रियल प्रॉब्लम के यू नो दे कॉन्स्टेंटली रिलयट ऑन अपरचुनिटी नहीं यू नो दे नॉट रियली अपर्चुनिटी मेकरस एंड विच इज़ फैसिनेटिंग बिकॉज मुझे कोई डॉक्टर आके ये बात बोले ना तो शायद मैं समझ जाऊँ mm. तभी मैं मैं नहीं समझूंगा क्योंकि लोग बीमार जो है सुबह शाम हो रहे होते हैं लेकिन यू नो कोई बिजनेस मेजर आके बोल दे मुझे अगर एक इंजीनियर बोल रहे हैं जिसका काम है अपॉर्चुनिटी बनाना इंजीनियर का काम यह था कि जब आसमान में कोई नहीं था तो वो आसमान पर जाने का सोच रहा था जब हम स्पेस का सोच रहे हैं बैठे हुए तो हाउ इज़ इट दैट इंजीनियर्स आर कंसिस्टेंटली जॉबलेस हाउ इज़ इट दैट इंजीनियर्स आर डूइंग कॉल सेंटर जॉब्स यू नो मोस्टली दे विल एंड अप डूइंग वो कोई आखिर में चार साल मैकेल करने के बाद एक आईटी की जॉब पकड़ आ, कोर्स पकड़ के ना वो कोई आई टी के का, काम पकड़ लेंगे आई अंडरस्टेंड आई एग्री कि पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है और क्योंकि थोक के हिसाब से बंदे बच्चे उन्होंने बनाना शुरू कर दिए तो जॉब्स नहीं हैं बट इज एनी वेयर स्मार्ट माइंड लाइक्रिएट अपॉर्चुनिटीज इंस्टेडिंग अच्छा इसकी एक सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर पाकिस्तान के इंजीनियर्स करते हैं वो ये होता है कि ना मैंने जितना देखा है अब मुझे पता नहीं है कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ लेकिन हमेशा लोगों को मैंने देखा कि वो इनोवेशन के पीछे भागते हैं हमेशा एक ऐसी चीज बनानी है अगर उनके पास कोई आइडिया हो हमेशा एक ऐसी चीज़ बनानी है जो सबसे डिफरेंट हो क्यों मुझे नहीं समझ आता आप उसी चीज पे करंट जो चल रही है उसी को किसी तरह अपडेट कर दो मतलब उसी चीज में थोड़ी सी अपग्रेडेशन के और उसी की अपॉर्चुनिटी बना दी ना आपने बिल्कुल ऐसे एक गैप आपने अब करंट इंडस्ट्री में ढूंढ लिया राइट right. बजाय इसके कि आप एक बिल्कुल नई इंडस्ट्री लेके आना चाह रहे हो राइट right. मतलब ये काम तो खैर हम भी कर रहे हैं लेकिन मिसाल है अगर हम ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशन में तो नहीं होगा राइट वर्ड बट अगर ग्लोबली देखें चाइना ने आज चाइना आसमान पर भी है mm -hmm. आज चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क्स यू नो सेमी सेमी कंडक्टर्स के अंदर वो घुस रहे हैं

तो मैं बैक करता था और वो से डब्बों में ही इंपोर्ट होता है। अच्छा। वो छोटी mm. सी मशीन है वो मशीन mm. क्या करती है वो स्पायरल यू आता है वो मशीन यूं घूमती है mm. फिर वो यूं घूमती है और वो स्पायरल mm. बनता जाता है बनता है बेसिक वेरी बेसिक थिंग ऑफ मेड ऑफ कैन वेरी इजिलेट और मेक इन पाकिस्तान अच्छा और वो एक एक मशीन जो है वो आफ्टर कस्टम्स एंड डॉलर रेट और उस सारे के करने के बाद वो ढाई ढाई तीन तीन लाख डॉलर की एक स्पाइरल बाइंडिंग मशीन है जो कि करके आ रही है कि वो लोहा है जो कि उसको इधर घुमाता है फिर उसको इधर घुमाता है और फिर इधर घुमाता है जब वो कम्प्लीट हो जाती है तो एक ब्लेड जो है उसको कड़क करके काटता है और वो नीचे कर जाता है और अगला तार शुरू हो जाती है हुँ. कोई रॉकेट साइंस नहीं है कोई रॉकेट साइंस लेकिन विच इज इंटरेस्टिंग रॉकेट साइंस बट वो तक पाकिस्तान में क्योंकि पाकिस्तान में वो बच्चा कहेगा कि यार ये मैं मैं स्पायरल की मशीन बनाऊँ क्यों बनाऊँ हालांकि इनोवेशन है उसके अंदर uh, वो हम नहीं देख पाते वाई डू थिंक दैट सो इनोवेशन नहीं देख पाते मतलब हम जो इनोवेशन सोचते हैं ना हम इनोवेशन देखिए मैं इसको इस इसको इसको तरह समझें हमारा बच्चा बड़ा होता है बिल गेट्स और इलॉन मास को अबू बनाकर ठीक hmm. है Uh, और मुझे ये बड़ा अफसोसनाक बात रखती है कि हमारे यहाँ जो बिजनेस मैन है ना पाकिस्तान में उनको हमने डिमनाइज़ कर दिया तो सब करप्ट है। जिसने पैसा कमा लिया ना वो तो करप्ट है hmm. <laughs> ठीक है और जो ठीक है इलॉन मास्क आई एम ह्यूज फैन ऑफ मास्क आई आई वॉच आई मीन जो बंदा चीज़ें कर रहा है फाइनली एक्साइटमेंट की तरफ जा रही है दुनिया बट देन द फैक्ट इज कि वो एक बड़े डिफरेंट इन्वायरमेंट में था वो एक बहुत डिफरेंट इंडस्ट्री में था मुझे लोग आके कहते हैं कि यार इलॉन you मस्क know, ने देखिए किस तरह ड्रॉपआउट किया और वो कर लिया। यार इलॉन मस्क जिस यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट कर रहा थाउट कर लिया वो हार्वर्ड से ड्रॉप आउट कर रहा था तुम चिचुकी मलिया में बैठ कर ड्रॉप आउट मेरे आसमान का फर्क है ना यू कॉन्ट कम्पेयर द कॉन्टेक्ट इलॉन मस्क जाता है आइडिया अपना सिलकॉन वैली में जाके बेचता है तो वहां पर इंस्टीट्यूशनल बैठा हुआ है अरबो डॉलर से बेचना भी नहीं पड़ता अब तो बेचना भी नहीं पड़ता बट मैं कहता हूँ कल का इलॉन मस्क एक बच्चा है आज ड्रॉप करता है एक बहुत खूबसूरत रॉकेट टेक्नोलॉजी बनाता है री वो कहता है यार ये तो मैं गूगल मैप्स भी कर रही है फर्क है ना कॉन्टेक्ट में फर्क है और जिसकी वजह से आपका बच्चा करके आ रहा है कि हाँ। वो कहता है नहीं यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता और वो अपनी सलाहियत वेस्ट करता है वो जॉबलेस रहता है छह साल और आखिर में जो है वो ट्यूशन पढ़ाता है बहुत सिंपल सी वजह है बहुत सिंपल इसकी सिंपल सी चीज़ सिर्फ ये है कि किसी भी मुल्क में जो है ना तीन इदारे होते हैं मेन पहला इदारा आपका एकेडेमियाँ दूसरा इदारा आपका इंडस्ट्री तीसरा इदारा आपका गवर्नमेंट राइट right. कोई भी सक्सेसफुल कंट्री ले लें कोई भी उसके अंदर जो है ना तीनों इदारे जो है ना सिंक में चल रहे होते हैं परफेक्टली right. सिंक में चल रहे होते हैं यहाँ पर ये यह होता ही नहीं किसी भी लिहाज से नहीं होता यहाँ पे एक एक यूनिवर्सिटी वाले बच्चे को जो ग्रेजुएट होकर निकल रहा है उस ही हैज़ नो ही और शी हैज नो आइडिया कि इंडस्ट्री में एक्चुअली क्या हो रहा होता है एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में क्या हो रहा होता है दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट ना उनको वो चीज़ें सिखाई नहीं जाती और इसकी फिर बहुत सारी वजह आती हैं अब रिसर्च हैज़ बिकम अ बिज़नेस ना यहाँ पर तो एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा जो है ना रिसर्च हैज़ बिकम अ वेरी वियर्ड सा बिजनेस ना सही है तो वो जो हम कहते हैं ना कि यार रिसर्च पेपर्स जिस तरह लिखे जा रहे हैं तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती ना तो इंडस्ट्री क्यों एक्सेप्ट करे हमारे रिसर्च पेपर्स एक यूनिवर्सिटी hmm. स्टूडेंट का रिसर्च पेपर इंडस्ट्री क्यों एक्सेप्ट करेगी वो तो फिर हम हम चाइना के लोगों को मास्टर मोटर्स चाइना को क्यों बुलाती है, hmm. है। वील क्योंकि उनको पता है ये यहाँ के लोगों को नहीं आता ना क्योंकि हमारे अकेडमी नहीं सिखाता हमारी मुझे, नहीं मुझे, सिखा एक एक बताया, मुझे बताया की आप लोगों ने पिछले तीन साल में बिल्कुल की कहा पाकिस्तान रेलवे में की थी

पता मैंने वहाँ पे करने की मेरी एक मेन रीज़न थी मैं चाहता तो मैं किसी बड़ी, बड़ी फर्म में भी कर सकता था लेकिन वहाँ पे ना बड़ी फर्म में मुझे वो फोटोकॉपी करवा हाँ मुझे प्रॉब्लम दे देते दे और कहते इसका हल निकाल वो हाँ। सेम चीज़ जो अभी उस ने कही कि रिसर्च बेस्ड हम हाँ मुझे कर देते मैं चाह रहा था कि मैं एक एक प्रोसेस को देखूँ और वहाँ पर मैंने देखी अब मैं आपको उसी की एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैंने वहाँ पर काम कर रहे थे तो मुझे पता चला कि वहाँ परफोरेटेड शीट्स रिक्वायर्ड हैं Sheets for those जो नहीं पता एक सुराख और मेटल शीट के ऊपर सुराख हुए के ऊपर पूरे कराची मैंने छान लिया सिर्फ दो मुझे ऐसे लोग मिले जो उस चीज की मशीन लगा के बैठे हुए थे अच्छा। सिर्फ दो लोग हाँ। और उनके थे थी थी ना अब कितनी आसान थी आपकी वही वाली बात कि एक छोटी सी चीज है ना मशीन भी इसकी इतनी बड़ी नहीं है और कोई नहीं काम कर रहा और मार्केट बहुत बड़ी थी मुझे उधर जाके ये पता चला कि मार्केट बहुत बड़ी थी राइट सो अगेन दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडस्ट्री लिंकेज लाइक वहां पर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट नजर आई प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद अब नाउ इट्स अ मैटर ऑफ नंबर डाउन यू यूसी के अच्छे इतने की मशीन आ रही है ये आ रही है इतने का रॉ मटेरियल आ रहा है अगर मैं बना hmm. लूंगा ये हजार रुपए के बेच रहा है अगर मैं इसको आठ सौ के बेच सकता हूँ इट अल बिजनेस गेट द इन्वेस्टर एंड सार्ट हुएंगे एक्चुअली मैं मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ ये जो ये जो चीज है ना कि इंडस्ट्री को नहीं पता या अकेडमी को नहीं पता दोनों की रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे से क्या कैसे ये तो बहुत ही बेसिक लेवल है सही है इंडस्ट्री जन लेन linear, मॉडल में ये होता है कि इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स देती है एकेडेमिया को अकेडेमिया वो प्रोजेक्ट्स कर लेती है right. सही है बाहर ये होता है सही है यहाँ पे वो भी नहीं होता अब जो शिफ्ट है ना बाहर वो ये है कि अकेडेमिया से प्रोजेक्ट्स निकलते हैं अकेडेमिया यूनिवर्सिटीज़ हैव टर्नड एंटरप्रोनियल

ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन उठना शुरू हो जाएंगे जिसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन हो गई आपके साइंस पार्कस हो गए रिसर्च सेंटर्स हो गए गह, सही right. तो ये सब बाहर हो रहा है यहाँ नहीं होता यहाँ पे यहाँ पे टू गिवन एग्जाम्पल आजकल इस चीज़ पे काम स्टार्ट हो रहा है आ, क्या कहते हैं नस्ट ही कह रही है मैं नस्का बताऊँगा और मैं स्पेस सेक्टर से लिंक करूँगा कनाडा की एक्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो आप गवर्नमेंट की फंडिंग की बात कर रहे देना गवर्नमेंट फंडिंग तो कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ को 109 मिलियन की फंडिंग मिलती है हर हर साल 109 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट राइट सही है और उनका ये होता है कि प्रोजेक्ट्स यूनिवर्सिटीज़ लेके आती हैं ठीक है सही है और उनके जो जो वहाँ के रिसर्चर्स होते हैं ना वो यूनिवर्सिटी में भी काम कर रहे होते हैं और वो साथ ही साथ इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं ठीक है सही है तो ये सारी ये सारा पूरा मॉडल ये पूरा फ्रेमवर्क हमारे पास मिसिंग है आज जैसे हमने बताया कि आज हमारी मस्टर फवाद चौधरी के साथ मीटिंग थी तो उनके साथ भी हमने ये डिस्कस किया एंड ही ही लाइक इट ही वॉज लाइक कि हाँ ये चीज़ ही तो करनी है hmm. तो इस चीज़ के तो लॉज होने चाहिए इस चीज़ की तो पॉलिसी होनी चाहिए तो वही हमारे फ़र्स्ट स्टेप्स जो है ना वो यही है कि आपका एक लेजिस्लेचर बनना शुरू हुआ आपकी यूनिवर्सिटी पॉलिसीज़ हो आपकी हायर एजुकेशन कमीशन इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो इंटर्नशिप्स की आप, आपने जिक्र किया तो इंटर्नशिप्स दी जाएँ इंटर्नशिप्स खुद गवर्नमेंट भेजना शुरू करे ट्रेनिंग करे सैंडविच कोर्सेज होते हैं uh, like बड़ी अच्छी मिसाल दी आ रेबर एक्चुअली बैंड फॉर कनाडा दे एक्चुअली टू स्पेंड लास्ट सिक्स ऑफ देयर ना अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जो अब कॉम्पिटिशन होते हैं ना जो टीम्स काम कर रही होती हैं हम हो या कोई भी और टीम हो गई तो उनका फ्रमवर्क उनकी जो यूनिवर्सिटी सपोर्ट कर रही होती है ना तो उनका ये होता है कि अगर वो बच्चा काम कर रहा है ना एक टीम में हुँ. तो उसका सेमेस्टर उसके सेमेस्टर के वो कोर्सेज़ फारिक जो जो कि वहाँ उस उस टीम में काम करते हुए इम्प्लीमेंट हो रहे होंगे जब वो कोर्सेज ही हट जब कोर्सेज हट गए ना उसकी जगह क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम उन्होंने कर दिया अब यहाँ पे ऐसा होता ही नहीं है तो आप खुद सोचेंगे अब हमें पता है जैसे ये टेक्निकल लीडर है इसको पता है कि यार मैनुफैक्चरिंग किस तरह करनी है मैनुफेक्चरिंग प्रोसेस क्या होते हैं तब भी इसको मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ा रहे हैं सही है ही नोज ही एक्चुअली नोज मोर देन बैचमेंट्स क्योंकि वो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी कर रहा है ना खुद hmm. तो ये क्रेडिट कार्ड वाला फ्रेमवर्क हमारी हायर एजुकेशन कमीशन को देखना है यूनिवर्सिटीज़ को साथ बैठना है इसके लिए तो सारी मसला आई थिंक वही वाली बात है कि देर आर लॉट प्रॉब्लम अगेन उसमें country, उसमें वो आते हैं लाइक आई साइड हमदा भाई तो अच्छे हैं कि वो सीख गए अगर एच ई सी जाती हो जाए कहती है कि यार क्रेडिट आर सिस्टम क्रेडिट आर सिस्टम तो सम वट है बट अगर हम रिप्लेसमेंट वाला डाल दें mm. तो क्या होगा जो आज हमारा रिसर्चर कर रहा है कि वो इधर से एक फेक कंपटीशन निकालेगा वो एक फेक mm. उसका एक uh, वो निकालेगा yeah. और yeah. वो उसमें जाके ना वो निकाला सो so, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो हमने ये भी देखा ना कि अभी कोविड के ऊपर जो बच्चे सारे बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बैठे हुए कि कोविड हो जाएगा एग्जाम्स में तो हम सारे इकट्ठे होकर अभी कोविड ले लेते हैं सो वो तो प्रॉब्लम हैं आई थिंक एज अ स्टार्टर एज अ सोलूशन की अगर मैं बात करूँ तो अगेन लाइक लाइक वन ऑफ द थिंग्स दैट यू आर डूइंग राइट नाउ इज दूगा जी आपने ये नहीं सोचा कि क्या प्रॉब्लम हैं आपने hmm. ये देखा कि अच्छा मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ एंड दिस इज़ ये एक uh, 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 ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आप कुछ भी ना अचीव करें ना uh, इस कंपटीशन से आप पहली चीज़ ये अचीव कर लें कि आप सिर्फ दुनिया को ये दिखा दें कि ये भी पॉसिबल था एग्जैक्टली hmm. exactly. ठीक है कि हम पाकिस्तान से बैठकर एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो मिल मिलाकर एक रॉकेट शिप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं अमेरिका के अंदर और हमारा उठ सकता है और दस हज़ार फीट तक जा सकता है दैट एंड विल शो यू नो थाउजेंड्स ऑफ किड्स जो कि इस खबर को पढ़ेंगे कि यार ये भी हो सकता है तो so ख्वाब देखने वाली जो बात है ना हमारे यहाँ तो ख्वाब ही नहीं देखता बच्चा हमारा अनफॉर्चुनेट शुरू शुरू में देखता बाद में बाद में वो तो ख्वाब जो होता है उसका मार दिया जाता है हाँ, कि तुम exactly. ज़्यादा ना सोचो लेफ्ट राइट ना सोचो और जो ख्वाब थोड़ा सा जिसके अंदर फिर भी साहहीियत रह जाती है वो जनरली पाकिस्तान में अच्छा ही निकल जाता है यू नो वो थोड़ा सा वो जो, जो 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 मामा पापा की बात सुनता है वो फिर आखिर में दली हो रहा होता है बिकॉज मोर ऑफन दैन वॉट इट डजेंट वर्क आउट बट वट्स हाउ डू यू गाइट सी द रीजन वाई आई आस्ट यू थी हमने इंजीनियरिंग की बात की और इंजीनियरिंग में यू um, नो you know, आपने देर आर डेफिनेटली वेरी रियल प्रॉब्लम मुझे पर्सनली लगता है वो सोलूशन की तरफ जा रहे हैं नष्ट किया आपने बात की नस्ट अप जो है वो बड़ी अच्छी इनक्यूबेटर इस्लामा देव अर टेक्नोलॉजी पार्ट कमिंग आप स्पेशल टेक्नोलॉजी जो ऑलसो यू नो बंग ट द वेरी लीच इन चौधरी साहब पर्सनली साइंस टेक्नोलॉजी के साथ इवन नष्ट के साथ उन्होंने स्ट्रेंट्स भी बनाए हार्ट के उन्होंने कमर्शलाइज भी करवाया वो अब फाइनली क्योंकि ये एक शऊर आता जा रहा है लोगों के अंदर So, we finally find solutions. Beyond that, you guys are Pakistani, you've you've lived in in Pakistan mm. all your life? Yes. Uh, have you been abroad mm. before this? Yes, I was in Saudi Arabia before, but I don't remember that time. Well, no. When I you were know, very haan, young? When I was young. Um, how do you see Pakistan of today, overall? Of today? I think I would. general think huge potential. Hmm. Just needs. टेक्नोलॉजिकल मतलब uh, अभी, अभी सेंस हाँ. हो गया एक

ठीक है मुझे पता है कि मेरी करंट जनरेशन में क्या क्या पोटेंशियल है मेरे साथ के लोग इवन मेरे जिनसे लिंकेज है डेली की बेसिस पे मैं जिनसे मिलता हूँ हम बैठ के बजाय इसके कि एक दूसरे का मजाक उड़ाएं जो आम हो रहा होता है हम हम आइडियाज डिस्कस कर रहे होते हैं राइट right. और वो एक बहुत बड़ी चीज़ है क्यों क्योंकि एक होता है ना कि मैं लाइक माइंडेड पीपल के साथ बैठ रहा हूँ तो मैं वही चीज़ सोचूंगा जो मैं डेली बेसिस पर सोच रहा हूँ जब मैं अलग लोगों के साथ बैठूंगा ना तो वो मुझे अलग तरीके का आइडिया देंगे वो मैं अब्जॉर्व करूंगा और वो चीज़ जो होगी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि वो मैंने ख... खुद से कभी नहीं सोचा मेक्स अब सेंस और आ, अगर मैं कहूँ कि अच्छा आज से दस साल बाद का पाकिस्तान आपको कैसा दिख रहा है दिख कैसा रहा है दिख कैसा रहा है आई थिंक वी वुड बी मोर एडवांस्ड मैन इट कम्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी बट फ्रॉम अ प्योरली सोसाइटल सेंस ऑफ व्यू हम उसी जगह पर होंगे हाँ क्योंकि दस साल में हम इतना कोई इम्पैक्ट नहीं बना पाएंगे एज ए सोसाइटी सोसाइटी से मुराद सोसाइटी से मुराद नहीं बट सिर्फ ये नहीं एज ए सोसाइटी बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग को खुद पर्सनल लेवल पे इंडिविजुअल लेवल पे ठीक करनी है बहुत काफी चीजें ऐसी हैं कि हमेशा हम एक लीडर को ब्लेम करके और uh, सारे इल्ज़ाम उसके ऊपर नहीं डाल सकते बहुत सी चीज़ें exactly. जो हम हम गलत कर रहे हैं हम हमें उन्हें सही करना होगा पहले और ये मेरा इमेच्योर माइंड सेट है मैं ये बताता चलूँ कि मैं अभी करंट मेरी एज जो है वो मैं ट्वेंटीज़ में हूँ ट्वेंटी वन और मेरी बहुत इमेच्योर स्टेट है अगर मेच्योर लोग इस तरह का कोई अपना माइंड रखेंगे तो फिर डेफिनेटली डेफिनेटली आई आई थिंक थिंक वन वन ऑफ ऑफ द द ब्यूटिफुल थिंग्स अबाउट द फ्यूचर I I आई ऑलवेज़ मोर ऑफन द नॉट think about is के देखें आपको शायद वो लग रहा हो कि सोसाइटी ना बदले um, मुझे इस वजह से लग रहा है कि सोसाइटी बदलेगी because दस साल पहले कोई ये बातें नहीं कर रहा था ठीक है mm. आप इक्कीस साल के हैं ना आज इक्कीस mm. साल की उम्र में मैं ये बातें नहीं कर रहा था इक्कीस mm. um, साल की उम्र में अगर आज आप ये बात सोच रहे हैं तो जब होता क्या है कि पावर मेट्रिक्स होता है इस वक्त पावर मेट्रिक्स में वो लोग हैं जो 80 की दिहाई में नर्चर किए गए बिल्कुल ठीक है आई um, अंडरस्टैंड आपने जिस जमात का तस्करा किया उस तरह के जो 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 थाट प्रोसेस है जो कि हमारी जो पढ़ी लिखी क्लास है जनरली उसको रिजेक्ट करती है जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज हैं उनको रिजेक्ट करती है उसको आप जब देखेंगे ना मैं जेन जी का खास कर करूँगा आप जाएँ और जाकर कि किसी मिलेनियल से भी डिस्कस करें वो भी शायद आपको मिल जाएगा कि यार वो एग्री कर रहा है बट जेन जी जनरली रिजेक्ट करती है आपको नजर आती है जो आपकी जनरेशन है What will will happen when When the the Gen Z will come into the power matrix? Mm -hmm. when they will be in their 40s and their 50s? Can you imagine the country at the point? Right? Can you imagine इमेजन आज हम क्योंकि हम क्या करते हैं तो हम हिस्ट्री को सोचते हैं और हम हिस्ट्री से हमेशा एक्स्ट्रापोलेट करते हैं mm -hmm. हम कभी भी प्रेजेंट की जो वाइल्ड कार्ड है उनको नहीं एड करते सो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमेशा ऐसा ही हुआ कोई चीज़ उठाते हम कहते हैं ऐसा ही हुआ राइट mm -hmm. right? ठीक है ऐसा ही हुआ बट उसकी एवोल्यूशन एक पर्टिकुलर स्टाइल से थी क्या वाइल्ड कार्ड ऑफ द इंटरनेट ऑफ द इंफॉर्मेशन एज हमने डाला नहीं डाला हमने नहीं डाला हम कहते हैं पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है क्या ये वाकई दुरुस्त है किसी ने यह रिसर्च किया है कि क्या क्राइम बढ़ा है या क्राइम की रिपोर्टिंग बढ़ी है एग्जैक्टली राइट लोग कहते हैं कि नहीं हमारे यू uh, नो you know, हमारे माहौल खराब हो रहा है हमारा कल्चर खराब हो रहा है हमारा मैं कहता हूँ यार हमें तो पहली दफ़ा पता लग रहा है कल्चर क्या है

एक को भी पता है कि यार वो जेंडर का इशू जो है ना आप सेवेंटीज और सिक्सटीज के अमेरिका को उठा लें जो इतना प्रोग्रेसिव है आज उधर भी था क्या बदला वहां पर चालीस साल पचास साल में क्यों अमेरिका जो है वो उतना कंजर्वेटिव था कि उनकी औरतें घर से नहीं निकलती थी नहीं काम करने के लिए mm. ठीक है वो एक्सट्रीमली सक्सेस्ट सोसाइटी थी वहाँ पे औरतों को वोट करने का राइट नहीं था टू अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी वेर दे आर एबल टू डू यू नो वेर देर एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट थिंग्सॉर्चुनेटली वी स्टिल आट एबल टू डू इट वॉज द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड देर इज डेफिनेटली एन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हमेशा एक चेंज लेकर आती है एक सोसाइटी के अंदर हाँ सो सो फॉर मी अगेन इट्स आई थिंक फ्यूचर इज़ वेरी वेरी डिफरेंट एंड मुझे थोड़ा सा प्रॉब्ली मुझे खुशी इस बात की होती है जब मैं आप जैसे लोगों से मिलता हूँ कि आप लोगों को भी पता भी नहीं है कि आप दस साल बाद जो अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास वो आप क्या कर रहे होगे और आप जैसा दिमाग जो है वो जब उस वक्त लगा होगा तो क्या हम कर रहे होंगे इन पाकिस्तान के अंदर दुख मुझे इस बात का होता है कि शायद हम उस पोटेंशियल को ना रीच कर पाएं बिकॉज हमें हमारे नौजवानों को लगता ही नहीं है कि वो इस सलायत को यू नो लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जा सकते हैं सही बात है क्योंकि हमें हमें पॉसिबिलिटीज़ दिखाई नहीं जाती कि कि हम ये भी कर सकते हैं

नहीं? नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं। आगल, बस आगल। आगल। ये है कि थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पर एक चीज़ मतलब मैं हमेशा से बोलता आया हूँ भी बोलता हूँ अपने बच्चों को ना बहुत ज्यादा फिक्स माइंडसेट की तरफ नहीं चलाएं लेट देम बी ओपन टू न्यू आइडियाज और उनको परसिव करने दें वो चीज़ें जो वो चेक करना चाहते हैं ताकि वो भी आगे प्रॉस्पर कर सकें और खुश हैं अबाउट मेरे लिए बस एक ओवरऑल इंसानियत को मैं ये कहना चाहूंगा बस

okay you know one of you or maybe all of you end up uh, being the pioneers of pakistan's space Thank program you. and we see you मे बो नो नो वी टॉक इन ट्वेंटी ईयर एंड यू टॉक अबाउट हाउ यू नो 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 मार्स कमिशन पाकिस्तान का कैसा बट इनशाला फॉर दैट फॉर यू सो मच वॉचिंग अगर आपको एपिसोड पसंद आई हो प्लीज़ अपने दोस्तों साथ शेयर करिएगा लाइक बटन दबाएं फॉर यूट्यूब वाले लोग वी गेट मोर एंगेजमेंट मोर व्यूज एंड मोर वी बटन लिसन टू दिस इन लाइटिंग कॉन्वर्जेशन इसके साथ साथ ऑडियो प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब बटन दबाएंगे वाले एपिसोड के बिल्कुल नोटिफिकेशन मिलेगी नीचे दी गई लिंक है फेसबुक ग्रुप की जहाँ पर इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं आर्टिक्स वगैरह भी शेयर करते हैं और आपका फीडबैक मैं वहाँ पढ़ता हूँ यू कैन जॉइन दटर इंटरेस्टेड बट एनीजन यो वॉचिंग Behind things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.